हमारी आज की वीडियो है डेटाबेस इंट्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शनिंग। ओके, ये क्लास 10th का आईटी का यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सेशन 1 है, उसका टॉपिक है। तो सबसे पहले तो है डेटाबेस। डेटाबेस ओके मींस डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन विच यू वॉन्ट टू स्टोर, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, अब एक आइटम से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हम एक जगह पे स्टोर करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं डेटा बेस। ये इसकी डेफिनेशन है। अ डेटा बेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, जो एक डेटा बेस है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। दूसरा, जो डेटा होता है ना, इट इज इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप सपोज करो किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर रहे हो, तो एम्प्लॉय का नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, सैलरी, बेसिक, HRA, TA, DA, ये सब स्टोर कर रहे हो। उसके साथ आप स्टोर कर रहे हो उसका एड्रेस। यहाँ तक भी लॉजिक बनता है कि ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपके डेटा से, क्योंकि कभी कभी उसके एड्रेस की नीड पड़ जाती है। पर सब व्हाट इफ यू आर स्टोरिंग के उसका 3 BHK मकान है, इसकी तो कोई नीड ही नहीं है ना। चाहे कोई कितने भी बड़े मकान में रहता हो, या फिर उसके नेबर में कौन कौन रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करो। दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द डेटा। ओके, जो एम्प्लॉय डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है ये। तो डेटाबेस क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है और डेटा हमेशा इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, यू कैन विजुअलाइज इट एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डेटा डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है? इंफॉर्मेशन का कंटेनर, कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर डाल देते हो। तो ये डेटाबेस क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। सो इट एक्ट्स लाइक कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। अ डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंटरप्राइज। ठीक है, एक डेटाबेस में एक एंटरप्राइज से रिलेटेड डेटा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही डेटाबेस में मल्टीपल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड डेटा हो। जैसे सपोज करो आपके सिटी में कोई XYZ स्कूल है, ABC स्कूल है, ठीक है, तो XYZ स्कूल का डेटा जो है वो XYZ स्कूल के ही डेटाबेस में होगा। ABC स्कूल का जो डेटा है वो ABC स्कूल के ही डेटाबेस में होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि दोनों स्कूल का डेटा एक ही डेटाबेस में है। तो जो डेटाबेस होता है वो वन एंटरप्राइज से रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इट मेंटेन्स एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो नेसेसरी है टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें हेल्पफुल होती है। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसकी हॉबीज क्या है। सपोज करो कुछ ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने जा रही कंपनी जिसमें कोई भी एम्प्लॉय हेल्प कर सकता है। सपोज करो पेंटिंग से रिलेटेड कोई कंपटीशन करने जा रहे हैं वो, ठीक है, तो अगर किसी की हॉबी पेंटिंग है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि जिससे कि आपकी कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प मिले। एक एम्प्लॉय है, उसकी स्किल्स क्या क्या हैं, उसको कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, वो एक्स्ट्रा अपनी जॉब प्रोफाइल से एक्स्ट्रा कंपनी के लिए क्या कर सकता है, ठीक है, वो कैसे कंपनी की सेल्स को बढ़ा सकता है, उसके क्या क्या स्किल्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। जो कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं है उसको तो आप स्टोर नहीं करोगे ना। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसके कितने कजन्स हैं, उनसे कंपनी का क्या लेना देना। कंपनी कोई भी पॉलिसी बनाएगी वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय को ध्यान में रख के बनाएगी, ठीक है। तो इट मेंटेन्स एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी नेसेसरी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन।
इन मैनुअल सिस्टम, बहुत सारी प्रॉब्लम थी मैनुअल सिस्टम में तो, है ना, यू वुड मेंटेन सेवरल फाइल्स। मैनुअल सिस्टम में यू विल मेंटेन सेवरल फाइल विद डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे सपोज करो आप अपने स्कूल का ही डेटा मेंटेन करते हो, ठीक है, जब स्कूल का डेटा मेंटेन करते हो तो एक रजिस्टर अकाउंटेंट मेंटेन करेगा कि किस बच्चे का क्या नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है और उसकी फीस कितनी, एक रजिस्टर वो मेंटेन करेगा अलग से, ठीक है। एक रजिस्टर आपकी क्लास टीचर मेंटेन करेगी कि जो क्लास में बच्चे हैं उनकी सारी डिटेल, आधार कार्ड है, फोटो है, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, मदर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उनके मार्क्स से रिलेटेड डिटेल, एक रजिस्टर वो मेंटेन करेगा। तो मैनुअल जब सिस्टम होता है तो हर कोई क्या करता है, हर कोई अलग अलग अपना डेटा मेंटेन करता है। लेकिन इन कंप्यूटराइज सिस्टम यू वुड यूज डेटाबेस प्रोग्राम। जब आप कंप्यूटराइज्ड करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट को तो उसमें आप क्या करते हो, डेटाबेस प्रोग्राम्स यूज करते हो, अलग अलग मैनुअल फाइल्स नहीं बनाते, अलग अलग रजिस्टर्स नहीं बनाते, आप क्या करते हो, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी एक डीबीएमएस है ना, डेटाबेस मैनेज होता है, इसमें भी ऑफिस ओआरजी का बेस, ठीक है, ऑफिस ओआरजी में, ओपन ऑफिस ओआरजी में कई सारे पार्ट्स है ना, जैसे राइटर है, कैल्क है, उनमें से एक पार्ट है बेस। बेस यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। MySQL, ओके, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स है, वो किस लिए यूज होते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। द डेटाबेस हैज इवॉल्व सिंस 1960। जो डेटाबेस है वो कब से इवॉल्व हुआ है, 1960 से। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले इतने बड़े लेवल पे कोई कंपनी वगैरह होती नहीं थी कि उनको अपना कुछ ऐसा डेटा मेंटेन करना पड़े, ठीक है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर 100, 200, 500, 1000, 1000 लोग काम करते, तो उनको डेटा को मेंटेन करने की नीड पड़ी है। जो कंपनीज हैं उनका टर्नओवर लाखों में, करोड़ों में होता है, ठीक है, तो उनको डेटाबेस को मैनेज करने की नीड पड़ी, ठीक है। तो ये 1960 के बाद ज्यादा इवॉल्व हुआ, उससे पहले नहीं था। द डेटाबेस कंसेप्ट हैज इवॉल्व सिंस द 1960 टू ईज इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस। डीबीएमएस किसको बोलते हैं, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, ये होता है डीबीएमएस। डीबीएमएस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। टू डेफिनेशंस आर देयर, यू कैन सी, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है, इसमें से कोई भी एक याद कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों चाहो तो दोनों याद कर लो। DBMS is a computer program that manages a database effectively and efficiently. DBMS क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। जो DBMS है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है कि वो कन्वीनियंटली डेटाबेस को डेवलप कर सके। अ डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जो एक डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस की पिछली स्लाइड वाली ही एक तरीके से डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन, डेटाबेस क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड, फाइल एंड ऑब्जेक्ट्स। अ डीबीएमएस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस।
अलग अलग जो यूजर्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू आप सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, अगर आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मैनेज कर रहे हो। वेल नोन डीबीएमएस आर, ये पिछली स्लाइड में भी हमने किया था कि जो वेल नोन डीबीएमएस हैं वो कौन से हैं। ओरेकल बहुत फेमस है, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, फॉक्स प्रो ज्यादा यूज नहीं होता है आजकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है इट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट इट गेट्स इंस्टॉल्ड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, पोस्टग्रेम SQL, MySQL एंड SQLite, ये क्या है, ये नाम जरूर याद कर लेना, जो DBMS हैं ये उनके नाम है, इनको सबको RDBMS भी बोलते हैं, वो हम RDBMS वाली वीडियो में करेंगे। जो RDBMS है उसको DBMS भी बोल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि DBMS को RDBMS बोले, तो वो डिफरेंस क्या होता है वो RDBMS वाली वीडियो में कवर होगा। ओके, अब क्या है ये डेटाबेस सर्वर, ठीक है, सर्वर क्या होता है जो सर्व करता है, सर्वर क्या होता है बच्चों, जो सर्व करता है, अ डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सर्वर एक तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, उसमें भी आप सर्वर बनाते हो, जब नेटवर्किंग करते हो तो एक कंप्यूटर को आप ज्यादा पावर का जो कंप्यूटर होता है उसको हेड बना देते हो, ठीक है, तो उसी के थ्रू आप सारे सिस्टम्स को मैनेज करते हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल सर्वर, ठीक है, जो एक नेटवर्क को मैनेज करता है। डेटाबेस सर्वर क्या होगा, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर जो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को ही एक्सेस करेगा, उसमें सिर्फ आप डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सकते हो, कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है, अ डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है, जो सिर्फ डेटाबेस रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म करता है। टिपिकली डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस्ड थ्रू कमांड लाइन, दो तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, जो डेटाबेसेस डेटाबेस सर्वर पे होते हैं ना उसको दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, एक तो कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और दूसरा ग्राफिक यूजर इंटरफेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जब आप ओपन ऑफिस करेंगे, ओपन ऑफिस में आप दो चीजें सीखेंगे, एक तो टेबल ओपन ऑफिस के थ्रू कैसे बनाए, डेटा कैसे एंटर करें, तो वो कौन सा व्यू हो जाता है, ग्राफिकल व्यू हो जाता है, और कमांड लाइन व्यू क्या हो जाता है, जो एसक्यूएल में कमांड्स करेंगे ना आप, एसक्यूएल जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल डिलीट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, या कोई सेलेक्ट कोई क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, या कोई रिपोर्ट निकाल के लाएंगे, वो सारा का सारा आप किसकी हेल्प से करोगे, कमांड की हेल्प से, ठीक है। और ग्राफिक यूजर इंटरफेस में क्या होता है, आपको टेबल क्रिएट करनी है, आप क्रिएट टेबल पे क्लिक करो, वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कौन से फील्ड लेने हैं, क्या डेटा टाइप लेना, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जस्ट सेलेक्ट कर करके दे सकते हो। लेकिन कमांड लाइन में क्या होता है, अगर आपको एक टेबल बनानी है तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, जैसे एसक्यूएल में होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम और उसके बाद उसके फील्ड की लिस्ट आप देते हो, तो सब कुछ टाइप करके होता है। कमांड लाइन में क्या होता है, सब कुछ टाइप करके होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में क्या होता है, यू यूज माउस टू गिव कमांड, आप कमांड के ऑप्शन लिखे हुए होते हैं, आप जस्ट उस पर क्लिक करते हो और वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जो डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं उसको आप दो मेथड से एक्सेस कर सकते हो, फर्स्ट मेथड है कमांड लाइन और सेकंड मेथड है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैक एंड्स। डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं, बैक एंड, जहां पे डेटा स्टोर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बैक एंड, और जिसके थ्रू हम डेटा को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप एक फेसबुक आईडी बनाते हो है ना, जब आप फेसबुक आईडी बनाते हो तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाता है,
आप उस फॉर्म के अंदर वैल्यूज एंटर करते हो, है ना, आपका नाम, सिटी, हॉबीज, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप एक फॉर्म के थ्रू एंटर करते हो। और फिर जैसे ही आप क्रिएट कर देते हो फेसबुक आईडी, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? वो इंफॉर्मेशन हो जाती है डेटाबेस में जाके स्टोर। तो जहां पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकएंड। और जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। जो बैकएंड होता है, बैकएंड नॉर्मल यूजर को यूजुअली नहीं दिखता है। बैकएंड नॉर्मल यूजर का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, नॉर्मल यूजर का लेना देना सिर्फ फ्रंट एंड से होता है, ठीक है? तो फ्रंट एंड होता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हो या एक्सेस करते हो। कल को जब आप फेसबुक आईडी ओपन करोगे तो आप आईडी पासवर्ड एंटर करके ओपन करोगे, तो वो सारा आपका क्या है? फ्रंट एंड के थ्रू कर रहे हो। और जहां से ये फेसबुक आईडी और पासवर्ड को चेक करेगा ना कि ये क्या आपके आईडी का ही पासवर्ड है, ये मैच भी तो करता है ना, तो ये कहाँ से मैच करता है बच्चों? ये मैच करता है बैक एंड डेटाबेस से, ठीक है? नेक्स्ट है हाउ डेटाबेस वर्क्स। एक जो डेटाबेस होता है वो काम कैसे करता है? द डेटाबेस डू नॉट मेंटेन सेपरेट कॉपीज फॉर द सेम डेटा। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया था ना कि आपकी क्लास इंचार्ज है, वो भी आपकी सारी डिटेल लिखे हुए हैं, है ना, बच्चे का नेम, मदर नेम, फादर नेम, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्लास इन विच स्टूडेंट गॉट एडमिशन, ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, आप किस स्टॉप पे उतरते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। अब जैसे आपका फीस डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट है, उसके पास भी आपकी सेम इंफॉर्मेशन होगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो डिफरेंट होगी। जैसे अकाउंटेंट के पास आपने कितनी फीस पे करी है, कितनी पेंडिंग है, किस डेट पे आपने फीस पे करी है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो आपकी टीचर है उसके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या होगी, आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, आप कौन से हाउस में हो, ठीक है, आप कौन से स्टॉप पे उतरते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास टीचर के पास होगी। सपोज करो आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी से बुक वगैरह इश्यू कराते हो, तो लाइब्रेरियन भी तो अपने पास रिकॉर्ड रखेगी ना कि आपके पास कौन सी क्लास में कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका क्या क्या सेक्शन है, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, मदर नेम, फादर नेम, और वो कौन सी बुक इश्यू करा रहे हैं, बुक इशू कराई, बुक टाइम पे रिटर्न की कि नहीं की, उसका फाइन बना। तो कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरियन स्टोर करेगी और बाकी सारी कॉमन इंफॉर्मेशन होंगी। तो आप देख सकते हो जब हम मैनुअल डेटा मेंटेन करते हैं तो जो एक सेम इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस डू नॉट मेंटेन सेपरेट कॉपीज फॉर सेम डेटा। डेटाबेस अलग अलग कॉपीज नहीं मेंटेन करता है। रेदर ऑल द डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस। सारा का सारा डेटा जो है वो एक ही जगह पे होता है। एंड ऑल द एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर डेटा रेफर टू द सेंट्रली मेंटेन्ड डेटाबेस। सेंट्रली मेंटेन्ड डेटाबेस क्या होता है? जैसे सपोज करो आप डेटाबेस के थ्रू डेटा मेंटेन कर रहे हो, है ना, डीबीएमएस के थ्रू आप डेटा मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी ना वो एक फाइल में जाके स्टोर हो जाएगी। जब एक क्लास इंचार्ज को किसी स्टूडेंट का फोन नंबर एक्सेस करना, तो वो उस एक सेम फाइल से एक्सेस कर लेगी। ऐसे ही अकाउंटेंट को करना है, लाइब्रेरियन को करना, जिसको भी अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक्सेस करना है तो वो एक सेंट्रली डेटा है, वहीं से आप कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्सेस कर लोगे। अलग अलग हर किसी को अपना पर्सनल डेटा बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे बैंक्स में होता है ना, आपका बैंक में अकाउंट है, सपोज करो आपने एक एबीसी सिटी की ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और आप अब एक्स वाई जेड सिटी में शिफ्ट हो गए। जो आपका बैंक है, सपोज करो आपका बैंक है पीएनबी, आपका जो बैंक है वो एक्स वाई जेड सिटी में भी है, एबीसी सिटी में भी है। आपने अकाउंट ओपन कहाँ करवाया था? एबीसी सिटी में करवाया, ठीक है, लेकिन अब आप शिफ्ट कहाँ हो गए हो? एक्स वाई जेड सिटी में। तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है, या कौन सी ट्रांजेक्शन आपने कर रखी हैं, या अगर आपको लोन भी कराना है तो आपको एबीसी सिटी में वापस आने की नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड सिटी के बैंक में जाके, ब्रांच में जाके, वहां से अपने अकाउंट की सारी डिटेल उनसे ले सकते हो।
ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जितने जो बैंक है ना उसकी जितनी भी ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस का जो डेटा है वो एक जगह पे स्टोर है, तो जिस भी ब्रांच को एक्सेस करना होता है तो वो उस सेम लोकेशन से डेटा को एक्सेस करते, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की हेल्प से। इफ एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड दैट विल बी डन एट ओनली वन प्लेस, है ना। अगर मान लो किसी बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो जाता है, तो आपने इस एक जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, उसमें आपने क्या देखा कि एक बच्चे का तीन तीन जगह पे डेटा मेंटेन हो रहा है, तो अगर उस बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, तीन तीन जगह पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हुआ है, काइंडली रिप्लेस इट, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रली आपका डेटाबेस है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। इफ एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड दैट विल बी डन एट ओनली वन प्लेस, एक ही जगह पे सारे के सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। द डेटाबेस कंटेन्स ऑपरेशनल डेटा एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है बच्चों? डेटा अबाउट डेटा। जो डेटाबेस होता है वो कुछ तो ऑपरेशनल डेटा रखता है और कुछ वो मेटा डेटा स्टोर करता है, ठीक है। दिस डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो डेटाबेस होता है ना, जो डेटा है वो डेटाबेस डेटा को कहाँ स्टोर करता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? जितने भी आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि परमानेंट डेटा स्टोर होता है ना, तो जो परमानेंट डेटा स्टोर होता है वो हमेशा कहाँ होता है? किसी न किसी हार्ड डिस्क में या सीडी में या पेन ड्राइव में, ठीक है, इनमें स्टोर होता है। बिटवीन द फिजिकल डेटाबेस इटसेल्फ एंड द यूजर्स ऑफ द सिस्टम देयर इज अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर यूजुअली कॉल्ड डीबीएमएस। जो एक डेटाबेस स्टोर होता है ना सेकेंडरी डिवाइस पे, और जो यूजर उसको यूज कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो होता है सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस, ठीक है। जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है उसको एक यूजर एक्सेस करेगा, किसके थ्रू एक्सेस करेगा? डीबीएमएस के थ्रू। डीबीएमएस को रिक्वेस्ट भेजेगा और डीबीएमएस उस डेटा को आपको रिट्रीव करके देगा। तो फिजिकल डेटाबेस के और यूजर के बीच में क्या काम करता है? डीबीएमएस। अगर आपके पास डीबीएमएस नहीं है तो आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस आर हैंडल्ड बाय द डीएमबीएस, ओके। द डीबीएमएस कंट्रोल्स द एक्सेस, सॉरी ये यहाँ पे करेक्ट कर देना, ठीक है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, डी बी एम एस का, ठीक है, मेरे से बोलने में भी ये गलत पड़ा गया। द डीबीएमएस कंट्रोल द एक्सेस एंड हेल्प टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जो डीबीएमएस है वो क्या करता है? हेल्प करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, ये है डीबीएमएस। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे ये डेटाबेस स्टोर है। जो डेटाबेस स्टोर हो रखा है ये क्या है बच्चों? सिंपल फाइल है। डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस सिंपल फाइल होता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, ये कोई ऐप के थ्रू एक्सेस कर रहा है या कोई डायरेक्ट डीबीएमएस के थ्रू एक्सेस कर रहा है, ये फिर जो भी इस डेटाबेस को एक्सेस कर करना चाह रहा है ना, ये डेटाबेस क्या होता है? एक फाइल होता है, कुछ और नहीं होता। डेटाबेस डेटाबेस सिंपल एक फाइल होता है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? हम करेंगे डीबीएमएस के थ्रू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? डेटाबेस जो एक फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये था बच्चों हाउ डेटाबेस वर्क्स, हाउ डेटाबेस वर्क्स। तो ये आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही कंटेंट है।
सेशन वन है ये यूनिट थ्री का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।